जुनूनियत द डेंजरस गेम ऑफ लव एपिसोड 34। सिद्धांत ने अपनी जैकेट जो कि काउच पर रखी हुई थी उसे प्रज्ञा को पहनने के लिए दी और अपने पैंट और शर्ट को फटाफट एडजस्ट किया। प्रज्ञा को डर था कि कहीं फिर से सिद्धांत कोई नया ड्रामा ना करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। करण के अपार्टमेंट में कीर्ति की रोने की आवाज करण के कमरे में जोर जोर से गूंज रही थी। वो जब से शॉपिंग से वापस आई थी तब से उसका रोना एक पल के लिए भी रुका नहीं था। करण का सिर अब उसकी रोने की आवाज सुन सुनकर दुखने लगा था। कीर्ति ने करण की तरफ देखते हुए कहा, करण तुम ऐसे कैसे आज जो कुछ भी हुआ उसको ऐसे ही जाने दे सकते हो? आज से पहले मैं कभी भी इतनी बेइज्जत नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी इतना बेइज्जत कर सकता है। करण को पता था कि कीर्ति बस चाहती थी कि वो इस बात पर गुस्सा हो कि उसकी किसी शॉप में बेइज्जती हुई थी, लेकिन वो जानता था कि जहां पर सिद्धांत इन्वॉल्व था वहां पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अरे तो बेबी तुम उस स्टोर में जाना ही मत, शहर में और भी बहुत सारे टॉप डिजाइनर के स्टोर्स हैं, वहां जाओ। उसने इस बात को टालने की कोशिश की, उसके पास और भी बहुत से काम थे जो कीर्ति का रोना सुनने से भी ज्यादा जरूरी थे। कीर्ति ने नोटिस किया कि अचानक से करण का ध्यान उस पर से बहुत कम हो रहा था, तो इसीलिए वो अपनी जगह से उठी और करण की गोद में जाकर बैठ गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, करण मुझे पापा मम्मी से पता चला है कि प्रज्ञा अब सिद्धांत के साथ रह रही है और उसका और तुम्हारा रिश्ता भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो अब क्यों ना हम ये सीक्रेट अफेयर को सीक्रेट ना रहने दें। तुमने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया है? कीर्ति ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। प्रज्ञा का नाम सुनते ही करण का खून खोल गया। जब वो उसके करीब आने की कोशिश करता था तो वो हमेशा हिचकिचाती थी, लेकिन अब वो उसके सौतेले भाई के घर पर रह रही थी और अय्याशी भी कर रही थी। उसकी ही गलती थी कि उस दिन उसने प्रज्ञा और सिद्धांत को एक साथ उस होटल रूम में रात बिताने को भेजा था। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद आज भी प्रज्ञा उसके साथ ही होती। प्लान? कैसा प्लान? करण ने प्रिटेंड करते हुए पूछा। हाँ, हमारी शादी का प्लान। अब प्रज्ञा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है तो हम क्यों ना अपनी रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दें? कीर्ति ने उसकी जॉलाइन को किस करते हुए कहा। करण ने कीर्ति से शादी करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। वो उसके लिए हमेशा से एक अच्छी टाइम पास थी। वो करण को प्रज्ञा की पीठ पीछे धोखा देने में मदद कर रही थी, जिसकी एक्साइटमेंट ने उनके बीच की केमिस्ट्री बढ़ा दी थी। लेकिन शादी? वो कीर्ति से कभी भी शादी नहीं कर सकता। उसके साइड से मिल रहे सन्नाटे के कारण कीर्ति बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई। उसे लग रहा था कि करण के ऊपर अभी भी प्रज्ञा का वश था, लेकिन एक बार वो उसकी फैमिली को मिल लेगी तो वो आसानी से करण को शादी के लिए मना पाएगी। इस वीकेंड तुम्हारे पिता के घर में फिर से पार्टी होगी, क्या तुम मुझे भी वहां ले चलोगे? कीर्ति ने पूछा। क्या, वो अपनी फैमिली पार्टी में कीर्ति को क्यों लेके जाएगा? लेकिन उसे याद है कि उसकी माँ ने कहा था कि सिद्धांत इस बार प्रज्ञा को पार्टी में ला रहा है। करण ने डिसाइड कर लिया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो भी सिद्धांत और प्रज्ञा को दिखा देगा कि वो अकेला नहीं था। अगले दिन प्रज्ञा तैयार होकर सिद्धांत के साथ उसके पेरेंट्स के घर के लिए कार में निकली। उसकी धड़कनें बड़ी हुई थी, नर्वसनेस उसके चेहरे पर पसीने के रूप में साफ नजर आ रही थी। वो अपनी गोद में अपने हाथों को साथ में मल रही थी। सिद्धांत आज अपनी सबसे लग्जरी कार से अपने पिता के घर जा रहा था। प्रज्ञा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई क्यों करेगा, लेकिन उसे मालूम था कि इसके पीछे भी कोई रीजन होगा जिसके कारण सिद्धांत अपनी वेल्थ पार्टी में सभी के सामने फ्लॉन्ट करना चाहता हो। जब वो लोग उसके पिता के घर के सामने पहुंचे तो प्रज्ञा ने देखा कि किस तरह उसके पेरेंट्स एक एक्सपेंसिव विला में रहते हैं। विला के चारों ओर लंबे लंबे पेड़ लगे हुए थे। जब वो कार से उतरी तो उसने देखा कि तीन चार माली गार्डन की देखरेख में लगे हुए थे। जब वो और सिद्धांत विला के अंदर पहुंचे तो एक बटलर काले और सफेद यूनिफॉर्म में उनका गेट पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने प्रज्ञा और सिद्धांत को आते देखा तो उसने एक बो के साथ कहा, सिद्धांत सर, मैम, वेलकम। प्रज्ञा ने बटलर्स बस टीवी पर देखे थे, उसे नहीं पता था कि असल लाइफ में भी लोगों के घर में बटलर्स होते हैं, और इसीलिए वो उस बटलर जिसका नाम नरेंद्र था उसे शौक के साथ घूर रही थी। जब प्रज्ञा ने उसकी ग्रीटिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया तो माहौल अचानक से ऑकवर्ड हो गया। सिद्धांत ने तब प्रज्ञा का हाथ थामा और उसे एक अश्योरिंग स्माइल देते हुए नरेंद्र की तरफ अपना सिर हिलाया। एम्बैरेसमेंट से प्रज्ञा का चेहरा लाल हो गया। यहाँ आते ही उसके साथ ऐसा हो गया था, उसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिन उसके लिए और क्या क्या सरप्राइज लाएगा। सिद्धांत का हाथ थामे हुए वो अंदर लिविंग रूम में पहुंची, लेकिन वहां करण की माँ को देखते ही एक बार फिर उसकी नर्वसनेस अपनी पीक पर पहुंच गई। लास्ट टाइम जब वो उनसे मिली थी तो बहुत ड्रामा हुआ था, उसे नहीं पता था कि आज वो प्रज्ञा के वहां होने पर कैसे रिएक्ट करेगी। अरे सिद्धांत और प्रज्ञा, ये तो एक सरप्राइज है, मुझे लगा कि प्रकाश मजाक कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि तुम दोनों भी आज पार्टी में आओगे और वो भी अपने नए आशिक के साथ। करण की मां ने आते ही प्रज्ञा पर ताने कसने शुरू कर दिए थे।
प्रज्ञा ने अपनी एक्सप्रेशंस को एक शाई स्माइल के साथ छिपा लिया था, लेकिन सिद्धांत शांत बैठने वालों में से नहीं था। हाँ, हम तो आते ही, और प्रज्ञा मेरी गर्लफ्रेंड और होने वाली वाइफ है। मैं जहां जाऊंगा वो वहां मेरे साथ ऑब्वियसली रहेगी। सिद्धांत ने तीखी आवाज के साथ करण की माँ को जवाब दिया। माहौल बहुत ही टेंस्ड था। प्रज्ञा इतनी टेंशन को सहन नहीं कर सकती थी। उसने उस टेंस्ड माहौल को तोड़ने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक से नरेंद्र की आवाज आई। करण सर, मैडम, वेलकम। करण का नाम सुनते ही प्रज्ञा फ्रीज हो गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि करण भी उस पार्टी में होगा। उसकी मति मारी गई थी कि वो इस पार्टी में आई थी। करण कीर्ति के साथ अंदर आया। उसने प्रकाश और अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ, पापा, आप लोग कैसे हैं? इससे मिलिए, ये कीर्ति है। उसने कीर्ति को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। प्रज्ञा को यकीन नहीं हो रहा था कि करण कीर्ति को लेकर आज पार्टी में आया था। अगर उसे मालूम होता कि कीर्ति यहाँ आने वाली थी तो वो आज यहाँ कभी भी नहीं आती। उसको इस सिचुएशन में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। प्रज्ञा को स्ट्रगल करते देख सिद्धांत ने उसके कान में कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे साथ हो। सिद्धांत की इस जेंटलनेस को देखकर प्रज्ञा का दिल वार्मथ से भर गया। उसे ये देखकर खुशी थी कि सिद्धांत इस सिचुएशन को समझ रहा था और उसका सपोर्ट कर रहा था। कीर्ति आज बहुत ही अलग लग रही थी। ये बात साफ थी कि करण के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए आज उसने अपना गेटअप चेंज किया था। वो एक सिंपल पर्पल ड्रेस में थी। प्रज्ञा ने आज तक उसको इतना संस्कारी बनते हुए कभी नहीं देखा था। करण की माँ कीर्ति को वहां देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। लेकिन उन्हें इस बात का रियलाइजेशन था कि करण शायद कीर्ति को इसलिए यहाँ लाया था क्योंकि उसके होने वाली मंगेतर आज उसके सौतेले भाई के साथ वहां थी। इसीलिए उसने अपना गुस्सा छिपाते हुए कहा, अरे कीर्ति बेटा, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। कीर्ति की नजर प्रज्ञा पर पड़ी और वो चौंक गई, क्योंकि प्रज्ञा पीकॉक कुटोर की रिसेंट कलेक्शन की लिमिटेड एडिशन ड्रेस पहनी हुई थी। वो ऑफ वाइट ड्रेस का एक ही पीस था। साथ ही में उसने बहुत ही सुंदर और नायाब डायमंड का सेट पहना हुआ था, जिसके कारण वह अलग ही चमक रही थी। उसका मन जेलसी और गुस्से से भर गया। वो प्रज्ञा की तरफ फेक स्माइल करते हुए बोली, अरे प्रज्ञा, तुम भी यहाँ हो। मेरे माता पिता तुम्हारी चिंता में बहुत दुखी है, लेकिन अब शायद तुम सिद्धांत के साथ रह रही हो, ये देखकर उनकी चिंता सब कम हो जाएगी। उसकी आवाज में प्रज्ञा के लिए ताना साफ साफ मौजूद था। प्रज्ञा कुछ कह पाती उसके पहले सिद्धांत बोला, करण, ये तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? करण ने अपना सीना फुलाते हुए कहा, हाँ, कीर्ति मेरी गर्लफ्रेंड है। वो भले ही जवाब सिद्धांत को दे रहा था, लेकिन उसकी नजर प्रज्ञा पर टिकी हुई थी। सिद्धांत एकदम से हंसने लगा और बोला, ओ अच्छा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी इतनी बुरी पसंद होगी। उसने जैसे ही ये कहा, पूरे कमरे में खामोशी छा गई। कीर्ति का मुंह शर्म से लाल हो गया। उस दिन तो शॉप में सिद्धांत ने उसे पीठ पीछे बेइज्जत किया था, लेकिन आज वो करण के घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था। कीर्ति ने करण की तरफ बड़े ही विश्वास के साथ देखा कि कम से कम वो आज उसकी इज्जत को बचाएगा। लेकिन करण ने एक एम्बैरस्ड स्माइल के साथ कहा, अरे सिद्धांत, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। किसने कहा मैं मजाक कर रहा हूं? सिद्धांत ने सीरियस आवाज में कहा। करण आगे कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी कंपनी को लॉस से बाहर आने में सिद्धांत ने ही मदद की थी। कमरे का माहौल अब पहले से भी ज्यादा टेंस था। करण की माँ ने उसके बचाव में कहा, सिद्धांत, तुम मेरे गेस्ट के साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हो? और वैसे भी प्रज्ञा और कीर्ति दोनों एक ही परिवार से हैं। सिद्धांत मुस्कुराया और बोला, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कीर्ति प्रज्ञा की कजिन है। लेकिन प्रज्ञा ने कभी भी अपनी बहन के मंगेतर के साथ अफेयर नहीं किया। सिद्धांत के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, कीर्ति के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और जमीन पर गिरकर 100 टुकड़ों में बट गया। क्या होगा आगे? क्या माहेश्वरी परिवार की वीकेंड पार्टी में और भी दूसरे ड्रामास होंगे? इस तनाव वाले माहौल से कैसे बचा पाएगी प्रज्ञा अपने आपको? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, एपिसोड 35। सिद्धांत के कमेंट को सुनने के बाद सभी शॉक में थे। सब जानते थे कि कीर्ति और करण का रिश्ता कैसे चालू हुआ था, लेकिन आज तक किसी ने भी ऐसे खुले अंदाज में ये बात कही नहीं थी। इस बार तो करण की माँ भी कुछ नहीं बोल पाई। एक मेड ने आकर जल्दी से जमीन पर गिरे ग्लास को साफ किया। कीर्ति अब किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। ये सभी के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी थी। लेकिन कीर्ति ऐसे अपना पहला इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत अपने पास रखे बैग को उठाया और उसमें से एक गिफ्ट निकालते हुए प्रकाश की तरफ मुड़ी और बोली, अंकल, ये एंटीक पेंटिंग मैं आपके लिए लाई हूँ। मुझे करण से पता चला कि आपको पेंटिंग्स इकट्ठी करने का बहुत शौक है।
प्रकाश ने कीर्ति के हाथ से वो पेंटिंग ली और एक छोटी सी स्माइल दी, लेकिन उन्होंने उसके अलावा उससे कुछ भी नहीं कहा। प्रज्ञा को नहीं पता था कि कीर्ति गिफ्ट्स के साथ आएगी, वो भी सिद्धांत के साथ उसकी फैमिली को पहली बार मिल रही थी, लेकिन उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं था। प्रज्ञा की नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सिद्धांत ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। प्रकाश कभी भी ऐसी लड़की को अपनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता था जो कि अपने बहन के मंगेतर के साथ अफेयर में हो। उन्होंने प्रज्ञा की तरफ देखा और बोले, थैंक यू प्रज्ञा, आज तुम्हारी वजह से सिद्धांत यहाँ आया है, प्लीज तुम इसे अपना घर ही समझो। प्रकाश का प्रज्ञा की तरफ रवैया देखकर कीर्ति के गुस्से का पारा चढ़ चुका था। उसने कल बाजार में न जाने कितने घंटे बर्बाद किए थे उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी भी सभी का अटेंशन उस प्रज्ञा पर ही था। करण की माँ भी उसके पिता के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती थी। खाना तैयार है, पीछे से नरेंद्र की आवाज ने सभी को एक बार फिर से उस टेंस सिचुएशन से बचा लिया था। सभी अपनी अपनी जगह से उठकर डाइनिंग रूम की टेबल तक पहुंचे। उस टेबल पर हर प्रकार का खाना था। माहेश्वरी परिवार का कुक बहुत बड़ी होटल का शेफ था, लेकिन अभी वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करता था। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि प्रज्ञा के पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। करण की माँ को अंदाजा था कि वो प्रज्ञा को सिद्धांत के सामने कुछ भी नहीं कह सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को इंसल्ट होने देगी। उसने दूसरा तरीका अपनाते हुए कहा, अच्छा तो कीर्ति तुम आजकल क्या कर रही हो, तुम पढ़ाई करती हो? जी मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, कीर्ति ने प्राउडली कहा। अरे बहुत बढ़िया, तुम संस्कारी होने के साथ साथ एजुकेटेड भी हो, कुछ लड़कियां तो बस देखने में ही सुंदर होती हैं, बस, करण की माँ ने कहा। प्रज्ञा को मालूम था कि ये डायरेक्टली उसके लिए नहीं बोला गया था, लेकिन वो अपने आप को करण की माँ की बात पर गुस्सा होने से रोक नहीं पाई। प्रज्ञा भी कीर्ति की तरह ही पढ़ी लिखी है ना, करण की माँ ने प्रज्ञा की तरफ देखते हुए कहा। प्रज्ञा ने अपने हाथ में स्पून को कसके पकड़ लिया। करण की माँ को पता था कि वो कॉलेज नहीं जा पाई थी, फिर वो एक बार फिर से इस टॉपिक को क्यों उठा रही थी। मैंने कॉलेज अटेंड नहीं किया, प्रज्ञा ने धीरे से कहा। कीर्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फाइनली उसके पास कुछ ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो प्रज्ञा को नीचा दिखा सकती थी। करण की माँ इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकती थी। वो तुरंत बोली, ओ हाँ मुझे याद है कि प्रज्ञा तो कभी कॉलेज ही नहीं गई, लेकिन आजकल के जमाने में एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा उठना बैठना बड़े और अमीर लोगों में है तो पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, उन्होंने प्रज्ञा को बेइज्जत करते हुए कहा। प्रज्ञा ने शर्म से अपनी गर्दन नीचे कर ली। अगर वो कॉलेज नहीं गई थी तो उसमें उसकी गलती नहीं थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते सिर्फ कीर्ति हायर स्टडी परस्यू कर पाई थी, और कीर्ति और करण के परिवार को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन आज मानो करण की माँ और कीर्ति ने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया था कि वो प्रज्ञा को प्रकाश और सिद्धांत के सामने नीचा दिखाकर ही रहेंगे। अचानक से प्रकाश की आवाज कमरे में गूंजी। वो बोले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो है कि उसका चाल चलन कैसा है। ये सुनकर कीर्ति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। क्या करण के पिता उसकी इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे थे? इस बार तो करण की माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अब प्रज्ञा चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैं भी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, प्रज्ञा प्राउडली बोली। तो उससे भी क्या होगा, तुम जानती हो कि सिद्धांत हर महीने कितना कमाता है या करण की मंथली अर्निंग्स कितनी है, तुम्हारे कुछ पैसे कमाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। करण की माँ की कैंची जैसी जुबान प्रज्ञा के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह काट चुकी थी। अभी तक सिद्धांत शांत बैठा हुआ था, लेकिन अब हद हो गई थी। उसने टेबल पर प्रज्ञा के हाथ पर अपना हाथ रखा और करण की माँ की आंखों में देखते हुए कहा, प्रज्ञा अब मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जो कुछ भी करना चाहती है कर सकती है, उसे अपना जो भी पैशन फॉलो करना है वो आराम से कर सकती है, किसी को भी उसकी इंसल्ट करने का हक नहीं है। प्रज्ञा ने सरप्राइज भरी आंखों से सिद्धांत की तरफ देखा। उसकी आंखें करण की माँ को चैलेंज दे रही थी। वो चाहता था कि वो प्रज्ञा के बारे में एक और गलत शब्द बोले और फिर वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को अपनी असल रात दिखाएगा। लेकिन करण की माँ भी बहुत होशियार थी, वो सिद्धांत की वार्निंग समझ गई थी और इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद कोई भी कुछ नहीं बोला और टेबल पर टॉपिक चेंज हो गया। खाने के बाद प्रकाश ने कहा, सिद्धांत मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ मेरी स्टडी में चलो। सिद्धांत और प्रकाश के बीच एक अलग तरह का टेंशन था। सिद्धांत ऊपर जाने से पहले प्रज्ञा की तरफ मुड़ा और सभी के सामने उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम यही रुकना, मैं अभी आया, अगर जरूरत पड़ी तो नरेंद्र की हेल्प लेकर ऊपर कमरे में आराम करने चली जाना। उसने ये इतनी सीरियसली कहा कि जैसे प्रज्ञा की जान खतरे में हो और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हो।
वो उसके चेहरे के करीब आया और उसके माथे पर एक किस देने के बाद प्रकाश के साथ उसकी स्टडी में चला गया। प्रज्ञा अभी भी अपनी जगह पर फ्रीज होकर खड़ी हुई थी। सिद्धांत ने अपने पूरे परिवार के सामने उसे किस किया था। प्रज्ञा का चेहरा ब्लश से लाल हो गया था। करण ने जब ये नोटिस किया तो वो गुस्से से बाहर चला गया। सिद्धांत तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे हम प्रज्ञा को बुली कर रहे हो। कीर्ति अपनी बहन से कुछ सीखो कि मर्दों को अपने बस में कैसे करते हैं। करण की माँ की आवाज ने प्रज्ञा को रियलिटी में वापस खींच लिया। प्रज्ञा उनकी तरफ गुस्से से मुड़ी। हाँ आंटी, वैसे भी किसी के सौतेले भाई को वश में करना कोई आसान बात नहीं है, कीर्ति ने कहा। हाँ, और अपनी बहन के मंगेतर के साथ सोना भी कोई आसान काम नहीं है, और सालों से सेक्स के बदले उसके पैसों से अय्याशी करना भी कोई तुमसे सीखे। वैसे ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं, यह तो तुम अच्छे से जानती ही होगी। वैसे ये कहां से सीखा तुमने, कहीं से कोचिंग ली थी? प्रज्ञा ने अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं किया। वो उन दोनों की टॉर्चर को बहुत सहन कर चुकी थी। प्रज्ञा की बात ने कीर्ति को चौंका दिया था। चलो कीर्ति, यहां से चलते हैं, नहीं तो प्रज्ञा सिद्धांत से कहेगी कि हम उसको टॉर्चर कर रहे थे। करण की मां ने कीर्ति का हाथ थामा और वो दोनों वहां से चले गए। प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली। उसको सच में नहीं पता था कि उसे इतने सब से क्यों गुजरना पड़ रहा था। सभी की बातें उसे कितना दुख दे रही थी। प्रज्ञा ने नरेंद्र को उसे ऊपर कमरे का रास्ता बताने को कहा। प्रज्ञा जब ऊपर फ्लोर पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक सिटिंग एरिया था जहां टेबल पर कुछ बुक्स रखी हुई थी। नरेंद्र ने उसे बताया कि प्रकाश बैठकर अपनी बुक्स पढ़ती है। प्रज्ञा की नजर वही दीवार पर लगी हुई फोटोग्राफ्स पर पड़ी। सारी फोटोग्राफ्स माहेश्वरी परिवार की थी, लेकिन उन सभी में बहुत कम ऐसी फोटोज थी जिसमें सिद्धांत था, और जिस भी फोटो में वो था उसके चेहरे पर एक में भी स्माइल नहीं थी। लेकिन प्रज्ञा को इस बात का बिल्कुल भी शौक नहीं लगा था, क्योंकि बाकी सारी फोटोज में एक ऐसा चेहरा था जिसे प्रज्ञा पहचान नहीं पा रही थी। अचानक से प्रज्ञा को याद आया कि करण ने उसे एक बार बताया था कि उसका एक और बड़ा भाई था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं था। लेकिन आज तक उसने इस बड़े भाई के बारे में और कुछ भी नहीं सुना था। प्रकाश की स्टडी में प्रकाश अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसने खिड़की के पास खड़े हुए सिद्धांत की तरफ देखा और कहा, क्या तुम प्रज्ञा को सच में पसंद करते हो? आज तक तुम किसी भी लड़की को घर नहीं लेकर आए, और प्रज्ञा इकलौती ऐसी लड़की है जिसके प्रति मैंने तुमको इतना डिफेंसिव होते हुए देखा है। क्या तुमने उसे शादी करने का फैसला ले लिया है? सिद्धांत अपनी जगह से मुड़ा और बोला, क्या शादी? ये आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और शायद मैंने उसको डिफेंड करने के लिए ही मेरी होने वाली वाइफ बोल दिया होगा, लेकिन अभी तक मैंने पर्सनली कोई शादी करने का फैसला नहीं लिया है, उसने अनॉयड होकर कहा। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? तुम किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते थे, फिर अपने भाई की मंगेतर ही क्यों? और अगर तुम उसे सच में प्यार करती ही हो तो फिर उसे शादी करने में क्या हर्ज है? प्रकाश की आवाज में गुस्सा साफ था। वो अपने बेटे की इन्हीं आदतों को लेकर बहुत परेशान था। मैं उससे शादी करूं या नहीं करूं ये आपके मतलब की बात नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए, आपका मेरी जिंदगी पर कोई भी हक नहीं है। सिद्धांत, तुम भूल गए क्या कि तुम किससे बात कर रहे हो? प्रकाश चिल्लाते हुए बोला। चिल्लाइए मत, वैसे भी आप बड़े भाई को ऐसे ही टॉर्चर कर करके मार चुके हैं। सिद्धांत की बात से सारा रूम सन्नाटे से भर गया। क्या होगा आगे? कौन था सिद्धांत का बड़ा भाई और क्या हुआ था उसके साथ? अब प्रज्ञा की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जुनूनियत, द डेंजरस गेम ऑफ लव, ओनली ऑन पॉकेट FM।